ने कहा कि बीजेपी की तरफ से उन्हें भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है, अगर वो ऐसा कर लेते तो उनके खिलाफ ना कोई मामला होता, ना ईडीआई होती, ना सीबीआई होती, ना आईटी होता, मगर ऐसा मैं नहीं करूंगा, मेरे विकास के काम को रोकने की कोशिश की जा रही है, इन सब अड़चनों के बावजूद भी मैं अपना काम करता रहूंगा। भाजपा ने सवाल उठाया वो कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने केजरीवाल साहब को अप्रोच किया भाजपा ज्वाइन करने के लिए, या तो उसे पब्लिक डोमेन दीजिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दीजिए। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात कही है तो ऐसे तो नहीं कही होगी। और इस वक्त भारत के अंदर एक दर्जन से ज्यादा उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। शिवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, हेमंत बिश्व शर्मा, पेमा खांडू, अजीत पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी बताया, कैंपेन चलाया, ईडी सीबीआई की मामले उनके ऊपर चलने लगे और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और वो मामले खत्म हो गए। अब वो कौन आदमी था जिन्होंने इनसे बात करी, या रातों रात इनको सपना आया और ये भारतीय जनता पार्टी में प्रकट हो गए और वो सारे मामले चलने बंद हो गए, ये कैसे होता है? जाहिर सी बात है, कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी में होता होगा जो बात करता होगा, जिसके लिए बात मानी जाती होगी, फिर ये सारी की सारी डील होती होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर जानती है, हमसे ज्यादा तो वो जानते होंगे ये सब चीजें। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने या खरीदने की कोशिश की जा रही है, जिस पर भाजपा ने शिकायत दर्ज की और क्राइम ब्रांच नोटिस लेकर सीएम आवास और मंत्री आतिशी जी के घर पे पहुंचती है और ये पूछा जाता है कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप वो सबूत बताइए, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के उन स्टैंड को लेकर जिसमें आप लोगों को ये दिखता है कि भाजपा आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी? देखिए, मुझे तो अच्छे से याद है 2014 में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष हमारे चुने हुए विधायक दिनेश मोहनिया को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, करोड़ों रुपए का ऑफर दे रहे थे, बाकायदा स्टिंग का वीडियो हमने रिकॉर्ड किया, मीडिया को दिया, कहा गया था कि उसकी पुलिस जांच कर रही है, कंप्लेंट भी दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने अब तो 24 हो गया, 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर क्राइम ब्रांच ने किस किस को नोटिस दिया भारतीय जनता पार्टी में? क्या उस वीडियो की फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो गई? क्या उनके वॉइस सैंपल्स ले लिए गए भारतीय जनता पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे और जो दिनेश मोहनिया थे, क्या वो वॉइस सैंपल मैच हो गए? क्या उसके अंदर कोई पूछताछ भारतीय जनता पार्टी के नेता से करेगी? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट खुद तो नहीं कर रहा होगा, किसी ना किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी में कहा होगा कि सरकार बनानी है, वो कौन लोग थे उसके पीछे? क्या 10 साल में उसमें चार्जशीट भी हो गई? भारतीय जनता पार्टी मुझे बता दे, नए सबूत तो दे देंगे, जो जो नए सबूत होंगे वो तो तब आएंगे जब आप पुराना तो बताओ आपने क्या किया उसके अंदर, कुछ नहीं किया।